भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट और MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय की संयुक्त पहल भारतीय छात्र संसद 12 संस्करण पूरे कर चुकी है। राजनीति में आने से पहले प्रशिक्षित होने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से आयोजित इस लोकतंत्र के त्योहार में पूरे देश से आए 12,000 से अधिक छात्र सहभागी हुए। विविध क्षेत्रों के जाने माने हस्तियों ने इस अवसर पर युवाओं को मार्गदर्शन किया। राजनीति में युवाओं के प्रवेश के महत्व को जताते हुए MIT विश्व शांति विश्वविद्यालय के कार्यकारी अध्यक्ष श्री राहुल दा कराची ने कहा कि जब तक सुशिक्षित और सक्षम लोग इस क्षेत्र में नहीं आएंगे, तब तक इसमें सुधार की अपेक्षा करना मुश्किल है। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसे, व्हाट आई शेयर्ड यस्टरडे ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन प्रोग्राम ऑफ 12th edition of Bharatiya Chhatra Sansad. In the history of India after the independence, not even Lok Sabha, Rajya Sabha, no other body has established such award for Vidhan Sabha speaker, because we know long back we see what happened in Uttar Pradesh assembly, we saw in many other assemblies of the country, so much of chaos and confusion among while, you know, building up those policies and the laws for the people at large, all of us. They create the laws, they create the policies for all of us, and we have seen, you know, that particular one video clip was viral when Uttar Pradesh, what happened. MPs, MLAs were shouting and throwing the mics and so much. Lekin CP Joshi ji is one such veteran leader from Rajasthan. Unko aaj yahan pe Adarsh Vidhan Sabha Speaker ka award yahan pe diya jayega, and he has participated in the previous, the 10th edition, 2.5 saal baad. ये भारतीय छात्र संसद यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में, कोविड ने हमें सब जो एक्सपीरियंस लिया वो मैंने कल बात की, तो भावना वही है कि हमारे सभी असेंबलीज में लीडरशिप के स्कूल्स कैसे निकले, हमारे महानगर पालिकाएं, हमारे जिला परिषद के स्तर के लेवल के ऊपर भी इस तरीके के 5-tier स्ट्रक्चर जो अपने गवर्नमेंट का है उसमें भी क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट लोग कैसे आने चाहिए, और जब तक क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट लोग उस जगह के ऊपर नहीं बैठेंगे तब तक हमें अच्छी पॉलिसीज नहीं। बड़ा सिंपल मैसेज पिछले 18 साल से MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट भारतीय छात्र संसद के नाम से इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम सबको देने की कोशिश कर रहे हैं। हमें 11, 12 स्टैंडर्ड हो, सिविक्स हम पढ़ते हैं स्कूल एजुकेशन में, हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में इसका इंटीग्रेशन कंपेयर टू द वेस्टर्न वर्ल्ड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, because kind of social engineering we have, the kind of approaches our country because of the historic background in last 200-400 years of recent history and the past history, I do not want to go much beyond that, but we have to really think, my dear friends, that to if we really want to transform faster, 75 years of independence we are celebrating, and with that spirit, you know, all such approaches how our political system can adopt. मैडम मीरा कुमार जी, शिवराज पाटिल जी, हम प्राइवेट संस्था है, हम NGO है, एक सामाजिक संस्था है, हमारी एक मर्यादा है, लेकिन सरकार के माध्यम से CP जोशी सर इस तरीके के विचार अगर हम कर पाए तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। आपकी विधानसभा में 120 बच्चों की बैच अगर हर साल लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए 2 साल का प्रोग्राम, हमारे महाराष्ट्र के लाइब्रेरी के बारे में भी, मैंने काफ़ी सारे विधानसभाओं के लाइब्रेरीज कहाँ सुसज्ज है, केरला की असेंबली मैंने देखी, कर्नाटका की देखी, बट आई एम नॉट हैप्पी सर कि कम्प्लीटली मैंने वेस्टर्न वर्ल्ड की तुलना हमें करनी पड़ेगी। उन्होंने जिस तरीके से उनके असेंबलीज में, अमेरिका में 50 राज्य हैं, किस तरीके से डेवलपमेंट उन्होंने अपने असेंबलीज में किए हैं, तो मैं समझता हूँ कि सर आप लीड लीजिए। उत्तर प्रदेश असेंबली के कल स्पीकर साहब भी थे, मैंने उनको भी विनती किया कि यू बी द फर्स्ट वन टू एस्टैब्लिश वन सच स्कूल। पूरे भारत के 30 असेंबली से अगर 100-200 की बैच बोल के 6,000 स्टूडेंट्स, भारत का नेतृत्व क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट युवक, जिन न्यूट्रल तरीके से पब्लिक लाइफ में किसी के भी
आपको यहाँ पे चापलूसी करने की जरूरत नहीं, बट उनको एक लैडर तैयार की जा सकती है, एक सीढ़ी बनाई जा सकती है, बिकॉज विधानसभा बाजू में है और विधानसभा असेंबली में इस तरीके के अगर प्रयोजन किए जाए तो बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। और जहाँ तक मेरे शिक्षण संस्था की बात है, मैं सब लोगों को बताना चाहूँगा कि हमने ये क्रेडिट प्रोग्राम के नाते भारतीय छात्र संसद, गुड गवर्नेंस, डेमोक्रेसी, लीडरशिप का मॉड्यूल हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट, मैनेजमेंट के स्टूडेंट, बीबीए, एमबीए सभी प्रोग्राम के स्टूडेंट, बिकॉज दे आर गोइंग टू बिकम द एक्टिव सिटीजन ऑफ दिस कंट्री टुमारो। एंड फाइनली एज अ ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट और एमबीए का स्टूडेंट उसने साथ आना ये जरूरी है, उसी तरीके से सिविल सोसाइटी ने भी साथ में आना जरूरी है। विद दैट अप्रोच, द ट्रांसडिसिप्लिनरी अप्रोच, दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन हैज ऑलरेडी, दिस मॉडल इज प्रूवन। I want to make an appeal to the senior respected politicians like you to think really seriously that एक प्राइवेट संस्था अगर इस तरीके से, तो सरकार के लेवल के ऊपर है, सभी विधानसभाओं के अध्यक्षों ने ये प्रण लेके इस तरीके से अगर ये किया तो मुझे लगता है बहुत अच्छी पॉलिसी मेकिंग और पॉलिटिक्स के प्रति जो हमारे सबके मन में घृणा और ये जो है, तो ये चीजें निकालने के लिए शायद दैट वेलकमिंग अप्रोच शुड बी फ्रॉम आवर टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी। ऑल द विधानसभा, आवर लोकसभा इज लाइक अ टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, सो मच कैन बी सेड। तो ये ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, और आप सब लोग इस पर्टिकुलर भारतीय छात्र संसद के ऊपर विश्वास है कि इतने 12 साल से अलग अलग स्टूडेंट पास आउट हुए, और आपको आश्चर्य होगा कि लोग मेरे ऊपर, कि राहुल यहाँ से थोड़ी ऐसे एमपी एमएलए बनेंगे, बट आश्चर्य मत करिए, अगले 10 साल में यहाँ से 1-2-400 एमएलए और एमपी सर बने, तो आप, मैं भी हूँ, मेरी और आप भी है, जरूर इसमें से बेनिफिट सिस्टम को मिलने वाला है। तो ये एक एकेडमिक, एक नम्रतापूर्वक, एक छोटा सा एफर्ट भले ही लगता हो, लेकिन ये बहुत बड़ा एफर्ट है। और इसलिए आज इवनिंग में भी हम एक बैठक, कुछ विधानसभाओं के स्पीकर्स, माननीय शिवराज पाटिल जी, मीरा कुमार जी, सुमित्रा महाजन जी भी कल आ रहे, फॉर्मर स्पीकर ऑफ लोकसभा, मनोहर जोशी जी शिवसेना के दूसरे लीडर थे, वो भी स्पीकर थे, वो सब मिलकर चर्चा आज करेंगे कि किस तरीके से आने वाले समय में ट्रेनिंग और एजुकेशन और हमारे पॉलिटी में बदलाव लाने के लिए, पब्लिक लाइफ में सही मायने में इम्पैक्ट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार आपका सबका अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। जिस तरीके से आपने पार्टिसिपेट किया, मैं सबका आपका मन से, हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू क्लैप फॉर यूर सेल्फ फॉर यूर वंडरफुल पार्टिसिपेशन। आई विल सी यू टुमारो अगेन इन द वैलिडिटी प्रोग्राम विद अ फ्यू मोर थॉट्स। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।